पहाड़ी पर्वत की घटी रोड पर स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी माहौल पैदा हो गया है। इतनी गंभीर हालत हो चुकी है कि 3 मंजिल तक की लपेट में आग आ चुकी है, जबकि कुएं में गुबार के आसपास को घेर लिया गया है। दिन में अंधेरा छा गया है। गोदाम में लगी आग को देखकर कबाड़ के गोदाम के आसपास घरों में रहने वाली परिजनक भाग चुके हैं। एक इतनी घटित विकलाम है कि इंटर स्कूल बंगला में बंगला के नाम में एक कबाड़ गोदाम था, जिसके कुछ परिवार भी रहते थे, कबाड़ उठाने के काम करते थे। उन्होंने कहा है कि किसी शख्स के पानी गर्म करने के लिए पानी का रोड लगाया है। थोड़ी देर बाद पानी का रोड कबाड़ के में रखे टायर पर रखा गया, जिसके धीरे धीरे टायर में आग लग गई थी। आप देख सकते हैं कि आग इतनी भयानक हो गई है कि आग बुझाने को काबू बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आग इतनी वीरान्त हो गई है कि नेशनल हाईवे पास के रोड पर लेकर एक संदर्भ एक भयानक आग का गुब्बारा आसपास में देख सकते हैं। विरासत के रूप में धारण करते हुए आसपास में फैले हुए आग के कबाड़ गोदाम के बने कुलिट्री प्राइवेट स्कूल में सभी बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है। सूचना के इस मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने तुरंत एक्शन लिया है कि लगभग 1 घंटे का के बाद आग का काबू पाया गया है। आप देख सकते हैं परविंदर राजपूत की रिपोर्ट। पूरा सामान थे, बकरी बच्चे थे, फ्रिज कूलर थी, टीवी थी, संदूक में नए कपड़े थे, आधा थी कूलर फ्रिज सब थे, और कब वॉशिंग मशीन थी, और कब कवर थे, तकाश पलंग सब चल गया मेरा, और बकरी बकरी सब थी। एक एक पैसा रकम हुआ इसमें, बकरी के बच्चे जले हैं, गृहस्थी का पूरा सामान जल गया यहाँ पे, ठेल जल